हेलो गाइस, कैसे हो सारे? गुड आफ्टरनून सभी को। हम लोग जा रहे हैं अभी अभी बारिश हमारे वहाँ बारिश हो रही थी, अभी बारिश बंद हुई है, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने गोला पे। तो आपको गोला में मिलते हैं, वहाँ का व्यूज़ दिखाते हैं, मतलब आपको दिखाते हैं कि कितना पानी आता है इधर बरसात में नदी में, हमारी गोला नदी में। ठीक है, वहाँ पर मिलते हैं आपसे। रास्ता देख सकते हो, यहाँ इतनी कीचड़ हो रही है, ये अरे जंगल देखो, मौसम देख लो कितना मस्त हो रहा ये। ओ माय गॉड, यहाँ से कैसे जाएंगे भगवान, इधर से थोड़ी झाड़ियाँ ये। चलो चलो चलो, साथ ही कदम बढ़ाते चलो। बल व्यू देखो यार, ये क्या अल्टीमेट है भयंकर भाई, इतना मस्त व्यू है ना, ये देख रहे हो कितना सॉलिड है। ओ माय गॉड, यहाँ तो पानी पानी हो रहा भाई, व्यू के चक्कर में अभी हो गया था अपना काम। यहाँ घोड़ों की टट्टी भी पड़ी हुई है, ये घोड़े के लड्डू देखो, लौंडे को देखो कहाँ पहुँची हो। व्यू देखो भाई, मज़ा आ गया भयंकर यार, क्या ये अल्टीमेट जगह है। देखो इसके पीछे इधर रोड है, यहाँ से इधर पीछे जाके इधर रोड है, जाके देखो सूरज दिख रहा होगा हल्का हल्का, शायद दिख रहा है। इतनी अल्टीमेट जगह है ना, मज़ा आ जाता है देख के। तो यहाँ पर लोकल में है ना, तो कोई इतना आता है नहीं इधर, लेकिन जगह काफ़ी अच्छी घूमने लायक। देखो व्यू देखो कितना मस्त होगा, बैकग्राउंड पीछे देखो सूरज दिख रहा होगा। कहाँ गया वो, इधर कहीं होगा, ये देखो शक्ल तो होगी काली। चलो पहुँचने वाले हैं गोला में, सीधे गोला का ही व्यू दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? तो भाई अभी हम चल रहे हैं, देखो पैदल 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 चलते चलते, हमें 2-3 मिनट हो गए पैदल चलते चलते, अभी भी नहीं पहुँचे। आप देखो अगर आवाज़ सुनोगे तो शायद गोला की आवाज़ सबको सुनाई देगी। अब आई डोंट नो कि फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही होगी नहीं होगी, लेकिन क्या है कि आगे आप अभी ज़्यादा दूर है नहीं, पास ही में पहुँचने वाले हैं। मस्त मौसम हो रहा है यार, क्या बताऊँ मैं। ये देखो पीछे तुम देख ही रहे हो, बाकी व्यूज़ अभी दिख, मैंने डाले हैं थोड़ा सिनेमेटिक डालूंगा देखना उसमें। ये पीछे रास्ता है, और ये देखो इसको देखो कितनी आगे भागने की हो रही है, ये भागे जा रहा है साला। ये देखो भाई 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 भाई, क्या व्यू, क्या तगड़ा वाला है भाई, तगड़ा वाला भयंकर। एक मिनट अभी दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? देखो जूम करूँ, देखो पानी तगड़ा, जूम क्या करता हूँ, उधर ही जाके दिखाता हूँ यार। गाइस देखो हम पहुँच गए गोला, पीछे दिख रही होगी तो आपको गोला नदी दिख रही है। देखो अभी हम उसके पास में जाके आपको दिखाते हैं नदी। यार बाल तो ऐसे हो गए ना, सो के उठ के आ गया जैसे घर से मैं भाई, मतलब देख के लिटरली ऐसा हो रहा ना, अगर देख ली तो चक्कर आ जाएगा बंदे को कसम से। देखो पीछे का सीन देखो और नदी देखो, बस कमी हो गई तो मुर्गे की कमी हो गई अभी। तुम लोग बोल रहे हो दलिद्दर है, पिछली वीडियो में भी साले ने मुर्गा मुर्गा बोला था, अभी भी सावन का महीना चल रहा है ऊपर से। भाई हमारी आवाज़ तो शायद तुमको सुनाई देगी या नहीं देगी पता नहीं, नदी का शोर इतना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये देखो पीछे नदी है, और पीछे दिख रही है, देखो सूरज भी दिख रहा है पीछे से, मतलब क्या अल्टीमेट है यार, मज़ा आ गया भाई। मतलब यहाँ पर अगर मेरा घर होता ना, देखो पीछे देखो दिख रही नदी, पीछे देखो नदी, मैं तुम्हें बैक कैमरा से दिखाता हूँ नदी। और हम पहुँच गए नदी के बिल्कुल करीब, और अब तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ये देखो नदी देखी, और ये यहाँ से आ रही है पीछे से, वो पीछे से आ रही है। देखो सीन देखो कितना अच्छा आ रहा, पीछे देखो सीन कितना अच्छा आ रहा है, पीछे से आ रही है वो, देखो कितना मस्त व्यू आ रहा ना। ऊपर उधर पहाड़ है, पहाड़ के बीच में इधर और उधर बादल लगे हुए हैं, और फिर यहाँ से नदी आ रही है, और आगे देखो कहाँ तक जा रही है, ये आगे देखो वहाँ तक नदी जा रही है, इतनी मस्त बाय गॉड मज़ा आ गया यार इधर आगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ जरा सीन निकाल दूँ कैसा हो रहा था। देखो यहाँ से आ रही है नदी, वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना इधर, ये इसके बीच से कहीं से निकल के आती है, ये है यहाँ से, देखो ये आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही पता नहीं यार, ये देखो
और एक व्यू और दिखाऊं मैं, वो देखो ऊपर देखो सूरज कितना मस्त हो रहा है। आ जाओ मैं तुम्हें आगे लेके चलूं। तो भाई लोग इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पर यार, क्या बताऊँ मैं अभी। मतलब यहाँ के व्यू देखो कितने अल्टीमेट है, पीछे देखो ये। आप लोग को मैं थोड़ा इस गौला नदी के बारे में बता देता हूँ। ये नदी तुम्हारा उधर से आती है, अमृतपुर से। अमृतपुर है यार, यहाँ पर थोड़ा आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ा और पीछे जाके देखता हूँ। तो अमृतपुर है रानीबाग से ऊपर ऊपर, एक दो नदी से मिलके ये गौला नदी बनती है। एक आपका नैनीताल या भीमताल से में भी होते हुए आती है, वो नदी मिलती है आपका रानीबाग के पास में, और एक आती है अमृतपुर से। तो जब दोनों नदियाँ मिलती है तो उसके बाद से इसका पानी ये मे बी ऐसा हो जाता है। अभी इसका जो पानी आपको दिख रहा है ना मटमैला कलर का, तो ये होता है उसकी वजह से, जो आपका नैनीताल या भीमताल से जो भी नदी आती है वहाँ पर मिलता है। वरना अमृतपुर वाला पानी, अगर मैं कभी जाऊँगा वहाँ पर तो मैं आपको दिखाऊँगा ब्लॉग में, तो वहाँ का पानी जो है ना थोड़ा साफ़ है, इतना गंदा तो रहता नहीं है वो। तो इसका पानी थोड़ा उसकी वजह से रहता है, और बाकी थोड़ा आजकल पहाड़ों में बारिश हुई है, वरना ये पानी साफ़ रहता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो पहले तो क्या था, यहाँ पर तक पानी आता था, इधर इधर तक पूरा पीछे तक आता था, ये पूरा पीछे मतलब यहाँ तक आता था। अभी शायद उधर से नदी कट गई है, उधर से कट गई है नदी, तो उतना पानी आता नहीं है। अभी एक वाला है, एक यहाँ पर है, एक वो जो बीच में पीछे जंगल दिख रहा है आप लोग को, इसके बाद उधर है एक नदी और है गौला, मतलब दो उसमें बटी हुई है। यहाँ पर से भी दो पीछे देख रहे हो, यहाँ से दो में बटी हुई है, एक इधर से आ रही है इधर से, एक उधर की साइड से आती है। भाई ये नदी को अगर देखते रहोगे ना थोड़ी देर तक, इसको घूरते रहो ना ऐसी एक टक देखते रहो, तो बिल्कुल ऐसा हो रहा चक्कर आने का, बिल्कुल मतलब आदमी अगर यहाँ पर खड़ा रहे तो बंदा चक्कर खा के गिर जाएगा नदी के अंदर, ऐसा हो रहा इधर। और वो सामने तुमको जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये जूम कर रहा हूँ मैं, ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं ये सामने इधर, वो कहाँ गई वो, ये NHPC की, ये आपका गेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। उसके बाद यहाँ पर NHPC की ये वॉल बाउंड्री दिख रही है, NHPC है ये। और इस पहाड़ी के पीछे आपका, इस पहाड़ी के पीछे रौसिला गांव आता है उधर, और बाकी ये वाला जो एरिया है ये आपका गौला पार्क का एरिया है। यहाँ से सीधे सीधे जाती है, आगे जाके एक स्टेडियम आता है, कभी जाऊँगा तो उधर आपको दिखाऊँगा, स्टेडियम भी है यहाँ पर, क्रिकेट स्टेडियम है, और भी बहुत सारे हैं मतलब इंडोर आउटडोर गेम के लिए हैं वो। बाकी यहाँ से आगे जाके एक पुल पड़ता है आपका, हल्द्वानी में पड़ता है वो, हल्द्वानी का गौला पुल बोलते हैं। और एक पुल पड़ता है आपका काठगोदाम में, काठगोदाम यहाँ से दिख रहा है आपका, वो टैंक दिख रहा है, टैंक पानी का टैंक दिख रहा है, देखो ये वाला, ये काठगोदाम का इलाका है आपका। यार थोड़ा सा ना वॉइस का इशू रह रहा होगा वीडियो में यार गले में पता नहीं क्या हो गया, भीग गया बारिश में, वॉइस का इशू रह रहा होगा थोड़ा, क्योंकि पीछे नदी की जो आवाज़ आ रही है ना उसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा सा दबरी होगी, क्योंकि नदी का यहाँ पर शोर ही इतना है। बाकी मैं बहुत लाउडली बोल रहा हूँ और गले में भी मतलब खराश हो रही है थोड़ा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा आवाज़ नहीं निकल पा रही है। बाकी आप व्यू देखो, मजे लो, देखो एक उसको देखो, वो पीछे देखो कैसे खड़ा है, वो पीछे देखो, पीछे हरकत है उसकी, वो देखो चुपचाप से लेके जाता हूँ उसके पास, देखो कर क्या रहा है। हाँ तो सर आपको कैसा लगा यहाँ पर हमारा इलाके में नज़ारा, कैसा लगा आपको इधर गौला नदी का नज़ारा, तो आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाएंगे इधर घुमाने? भाई धक्का दे देगी इसको बंदी नदी में, धक्का, मर जा तू, बह जा, मर जा साले, मर, डूब के मर जा बोलेगी क्या हरकतें ऐसी हैं, सुधरना है नहीं लौंडे ने। देखो ये देखो यार, और पता नदी इतनी तेज आती है ना, ये देखो ये पेड़ दिख रहा पीछे, पेड़ दिख रहा, वो पूरा पेड़ है, पूरा साबुत पेड़ देखो, अपने साथ बहा के लाती है, ये भी है, ये पेड़ है,
ये जड़े वगैरह पेड़ वगैरह, तो अभी लगा लो अभी इतना बड़ा पेड़ अगर वो ला सकती है, तो हम लोग अगर इस नदी में चले गए तो हमारा तो पता भी नहीं लगेगा किधर गए। हमने कर लिया पैकअप, पहन लिया जूते वगैरह और हम चल रहे हैं घर को अब, क्योंकि देखो सूरज भी गया, डूब गया, डूब गया सूरज भी, डूब गया और हमारा हो गया घर जाने का टाइम, तो हम चलते हैं घर को। ठीक है, बस यार मज़ा बहुत आया, लेकिन यहाँ पर इतनी मस्त जगह है बैंक ना, ऐसी जगह पे तब आना चाहिए बंदे को, या तो जब बहुत खुश हो या जब प्यार में धोखा मिला हो, उसको दिल टूटा हो ना, तो आके बैठ जाओ चुपचाप से अकेले में, कुछ हल्ला नहीं कुछ नहीं, बस नदी की आवाज़ को आराम से सुनो, उसको फील करो, तो मतलब जो एक वो होता है ना मन में, वो सब चीज़ें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं यार, मज़ा आ जाता है कसम से। बाकी एक देखो वो नमूना बैठा है एक पत्थर पे, दिख रहा है आपको उधर, वो ये भीमू भाई है हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनसे बकचोदी करते हैं जाके, अभी दिखाते नहीं इनको, ये फिर वो ज़्यादा बकचोदी कर देते हैं। तो अभी भीमू भाई ने हमें जंगली फल दिया खाने को, देखा ये पता नहीं क्या है लेकिन है बड़ा टेस्टी यार, ये लाए थे पता नहीं कहाँ से लाए थे, बड़ा मस्त लग रहा। ये देखो तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं घर को, अरे ये वो पीछे आ रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने जो पिछली वीडियो में प्यार दिखाया था ना यार, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे को इतना सारा प्यार मिलेगा आपसे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, अगली व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।